वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की घरेलू सीरीज शुरू होने वाली है 4 अक्टूबर से, लेकिन उससे पहले टीम के चयन को लेकर काफी बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा और शिखर धवन को टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई, जिसके बाद कई बड़े दिग्गजों ने चयनकर्ताओं और कप्तान विराट कोहली के फैसले पर हैरानी जताई है। ऐसे में हरभजन ने साफ तौर पर कहा कि विराट कोहली को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को आपने टेस्ट क्रिकेट से बाहर क्यों रखा है। हरभजन ने कहा कि जब बाकी खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है तो रोहित शर्मा को क्यों नहीं। रोहित शर्मा वैसे भी एक फ्रंटलाइन बल्लेबाज हैं और 5 साल में उन्हें सिर्फ 25 टेस्ट मैच खिलाना उनके टैलेंट को शोभा नहीं देता। हरभजन ने कहा कि कई खिलाड़ियों को बार बार मौका दिया गया है, ऐसे में यहाँ पर विराट को यह सोचना पड़ेगा कि वो किन खिलाड़ियों पर दाव लगाना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आप अगर अपने अच्छे बल्लेबाज नहीं खिलाएंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरभजन सिंह के इस बयान पर कप्तान विराट और बीसीसीआई का टीम मैनेजमेंट क्या जवाब देता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।